नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना द लक्ष्मी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही लजीज, बहुत ही आसान तरीके से दही का चटनी। तो आइए देखते हैं कि दही का चटनी बनता कैसे है और इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी तक मेरा चैनल द लक्ष्मी किचन को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नया से नया और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ आप तक पहुँच सके। और अगर सब्सक्राइब कर दिए हो तो दोबारा से सब्सक्राइब ना करें दोस्तों, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं वीडियो बनता कैसे है, इसमें कौन कौन सामग्री लगती है। दही की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम दही है, बिल्कुल फ्रेश दही है। आप खट्टा भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने फ्रेश दही लिया है 100 ग्राम फ्रेश दही। एक बाउल हरी धनिया फ्रेश, थोड़ा सा पानी, भुजिया नमकीन लिया है मैंने, आप इसके जगह पे बूंदी या भुना हुआ चने का दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बाउल पुदीना का पत्ता, 2 हरी मिर्च, हरी मिर्च को आप अपने स्वाद अनुसार बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, छोटी आधी चम्मच जीरा, छोटी आधी चम्मच काला नमक और स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया, इसको हम अच्छे से धुल के साफ कर लिए हैं। पुदीना के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े, नमकीन, भुजिया, दही, नमक, जीरा, काला नमक और हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें 2-3 चम्मच, और हम इसको अब ग्राइंड कर लेंगे। इसको बंद करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए ये मेरा दही का चटनी बन के बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों आप इस चटनी को किसी भी चीज़ से सर्व कर सकते हैं, जैसे पकोड़े हुए, ब्रेड पकोड़े हुए, सैंडविच हुआ, कटलेट्स हुआ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करके खा सकते हैं, खिला सकते हैं अपने फैमिली को। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक मेरा चैनल द लक्ष्मी किचन को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।